नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों हम बात करेंगे आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशि फल की। यानी कि मित्रों दिनांक 21 अक्टूबर 2022 का दिन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। मित्रों सर्वप्रथम बात करें पंचांग की, तो 21 अक्टूबर को शुक्रवार का वार है, साथ में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और मित्रों मघा नक्षत्र है। और आप सभी को बता दें कि ब्रह्मा और शुक्ल नामक योग का निर्माण हो रहा है। वहीं सूर्य की स्थिति तुला राशि में रहेगी, तो दूसरी ओर चंद्रमा जो है मित्रों वह सिंह राशि में संचार करेगा। तो ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल का अगले 24 घंटों में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, साथ ही मित्रों विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार है, क्या सावधानियां हैं और क्या खुशखबरियां हैं, समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो मित्रों हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस विशेष राशि फल का निर्माण किया है। तो हमारी इस मेहनत के बदले आपसे सिर्फ इतनी सी विनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मित्रों सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों हमारे गुरुजी धैर्य की परिभाषा बताते हैं। मित्रों परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है और स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। मित्रों हमेशा जीवन में धैर्य बनाकर रखना, क्योंकि धैर्य इंसान का वह गुण होता है जो इंसान को अव्वल और सफल और गुणवान बनाता है। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों आप सभी को बता दें कि इस समय के अंतराल में आपको नई शुरुआत करने के लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा। रूटीन समस्या का समाधान आपको मिलेगा, यानी कि जो आपको दैनिक समस्या का सामना करना पड़ रहा था वह सारी समस्याएं मिटने लगेगी और प्रॉपर्टी से संबंधित आपका मामला अटका हुआ है तो उसके पूरा करने के लिए यह समय सबसे बढ़िया रहेगा। मित्रों प्रॉपर्टी से संबंधित ज्ञान की बातें भी आपको किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होगी और किसी परेशानी में परिवार वालों की मदद आपको मिल सकती है। यानी कि इस वक्त के अंतराल में परिवार के लोगों का पूरा साथ आपको मिलेगा, परिवार के लोग आपका हर क्षेत्र में हाथ बटाएंगे। मित्रों लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि कुछ अनहोनी होने का डर भरेगा। ध्यान रखिएगा कि अनहोनी होगी तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। खर्चे बढ़ने से इस वक्त के अंतराल में आपकी चिंता बढ़ सकती है, तो धैर्य रखना चाहिए और भविष्य की योजनाओं को बिल्कुल सीक्रेट रखें। किसी तीसरे व्यक्ति के सामने अपनी जो भी गुप्त योजनाएं हैं, चाहे वह परिवार से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो या चाहे आपकी लव लाइफ से संबंधित हो, मित्र जीवन में कुछ योजनाओं को सीक्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। अब व्यवसाय में अनुभवी लोगों के साथ संपर्क बनाकर रखने, क्योंकि संपर्क बनाकर रखने की सलाह इसलिए दी गई है मित्रों क्योंकि आप अभी इस क्षेत्र में अगर नए हैं तो आपके साथ धोखा होने की संभावना बन सकती है। इसलिए यदि किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ आपको मिलेगा तो आप थोड़ा सा संभल जाएंगे। नई योजना या काम शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है मित्रों, इसलिए कार्य क्षेत्र में जैसा चल रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित रखें और व्यवधान आने के बावजूद आप पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और बदलते मौसम की वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। मित्रों बहुत ही उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है, आप अपने दायित्व को बखूबी निर्वहन करेंगे।
और परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग, मस्ती, मनोरंजन में समय बिताना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इससे आपके मन को शांति मिलेगी और इस वजह से आपका ध्यान भी थोड़ा परिवार के लोगों की ओर बढ़ेगा। मित्रों, किसी राजनीतिक संपर्क से आपको फायदा मिल सकता है, तो इस समय का उचित सदुपयोग करें। और इस समय बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि व्यर्थ की बातों में ध्यान देने से मित्रों इसका असर आपके विचार शैली पर और जीवन शैली पर भी पड़ेगा। इसलिए जो व्यर्थ की बातें हैं, जिन बातों का आपसे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी बातें करके वक्त की बर्बादी और विचारों की बर्बादी बिल्कुल ना करें। मित्रों, किसी के प्रति मन में नकारात्मक भाव उठ सकते हैं, इन नकारात्मक भावों पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। अप्रिय गतिविधियों में ध्यान ना दें और विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा सजग रहें। व्यवसाय में कुछ ना कुछ व्यवधान आप स्वयं कर सकते हैं, तो धैर्य से समाधान निकालें। और स्टाफ से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी रह सकती है, यह समय भविष्य की योजनाओं संबंधित नई नई जानकारियां हासिल करने के लिए अनुकूल है। और ऑफिस में किसी क्लाइंट की वजह से मित्रों कुछ समस्याएं आ सकती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पति पत्नी के बीच मधुरता पूर्ण संबंध रहेंगे और प्रेम संबंधों में भी आपके नजदीकियां बढ़ेगी। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि यह समय अनुकूल है, प्रकृति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रही है, तो निवेश को लेकर आपको कुछ जानकारियां अवश्य मिलेगी और यह जानकारियां फायदेमंद ही होगी। अपनी योजना में परिवारजनों को भी जरूर शामिल करें मित्रों, और संबंधियों के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी रहेगा। छोटी मोटी बातों अथवा विवादों में उलझना इस वक्त तो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी बातें और विवादें परिवार में दरार डाल सकती है, संबंधों में दरार डाल सकती है। इसलिए व्यवहार में थोड़ा सा ठहराव लाएं। और विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में विफलता मिलने से तनाव रहेगा, लेकिन मित्रों यह आपके जीवन की कोई इतनी बड़ी विफलता भी नहीं है कि स्वयं को मानसिक तकलीफ में डाल लें, यानी कि डिप्रेशन में डाल लें। मित्रों, हिम्मत ना हारें और दोबारा प्रयास करें। और आपकी जो एक बुरी आदत है, वह आदत है व्यर्थ की आवाजाही, यानी कि इधर उधर घूमना। मित्रों, व्यर्थ की आवाजाही से परहेज रखें। और व्यवसाय में कोई बेहतरीन प्रस्ताव आपको मिलेगा, साथ ही ऑनलाइन तथा फोन के माध्यम से भी आपको उचित ऑर्डर मिल सकते हैं, लेकिन आलस आपको नहीं करना है तथा समय का उचित सदुपयोग करें। और नौकरी में कोई अथॉरिटी भी मिलेगी। मित्रों, जीवन साथी तथा परिवार जनों का सहयोग आपको सुकून देगा और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास रिश्तों को और अधिक मजबूत करेगा। और थकान और नकारात्मक विचार उठने से आपके कार्य क्षमता पर इसका असर पड़ सकता है, तो कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करें, इससे आपको सुकून मिलेगा। मित्रों, हम बताते हैं कि अपनी व्यस्तम दिनचर्या से में कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। और ऐसा इसलिए मित्रों कि व्यस्तम दिनचर्या से जब कुछ समय खुद के लिए निकालेंगे, तो इससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, थोड़ा सा ध्यान आप आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में भी लगाएंगे और सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में भी आपका बेहतरीन योगदान रहेगा। मित्रों, आपके दुश्मन भी आपकी योग्यता और काबिलियत की सराहना करेंगे, जो आपसे जलते हैं वह भी आपके सामने झुकेंगे। बातचीत करते समय, शब्दों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें और किसी भी असमंजस्य की स्थिति में अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन भी जरूर लेना चाहिए। मित्रों, युवा वर्ग गलत संगति व गलत आदतों से दूरी बनाकर रखें, वरना किसी बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। और व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष और मेहनत की जरूरत है। हिम्मत बनाए रखें। शेयर्स और तेजी मंदी जैसी गतिविधियों में मित्रों इस वक्त आपको थोड़ा सा निवेश करने के लिए रुकना होगा, क्योंकि यह समय अनुकूल नहीं है, उसके बारे में उचित जानकारी लेकर ही कोई डिसीजन ले। तो वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। और मित्रों, दैनिक राशि फल
एवं रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। वह जो स्क्रीन पर आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिएगा व पास में वह घंटी भी अवश्य ही दबा